नमस्कार, स्वागत है आपका सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में, जहां पर हम लेकर आते हैं आपके लिए दिन भर की 5 बड़ी खबरों का विश्लेषण। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। G23 गुट को सोनिया का जवाब, मैं हूं कांग्रेस की पूर्णकालिक अध्यक्ष। सिंघू बॉर्डर मामले में निहंग का आत्मसमर्पण, गांव वाले बोले लखबीर को दिया गया लालच। ठाकरे की मोदी को चुनौती, हिम्मत है तो मेरी सरकार गिरा कर दिखाओ। एनसीबी पर नवाब मलिक का हमला, कहा परिचितों को क्यों बनाया गवाह। और राहुल से मिले सिद्धू, फिर से प्रदेश अध्यक्ष के रूप में करेंगे काम। चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर से, और वो खबर जुड़ी हुई है कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग से। अगर आपको ध्यान हो तो कुछ दिन पहले ही और काफी समय से जो वरिष्ठ कांग्रेस के नेता है, जो G23 का ग्रुप है, वो बार बार इस बात को लेकर मांग कर रहा था कि पार्टी के संगठन में बदलाव होना चाहिए, संगठन में चुनाव होना चाहिए, अध्यक्ष पद को लेकर चुनाव जल्द से जल्द होने चाहिए। अभी जब पंजाब का जब पूरा प्रकरण सामने आया था, तो उस समय भी गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल ने सबने कांग्रेस अध्यक्ष पर चुटकी ली थी कि कहां है कांग्रेस प्रेसिडेंट। तो आज उसी को एक करारा जवाब दिया है अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने, और सोनिया गांधी ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा है कि मैं ही हूं परमानेंट अध्यक्ष कांग्रेस की, मैं स्थायी अध्यक्ष हूं और मुझसे बात करने के लिए मीडिया का सहारा न लिया जाए। अब आपको बता दें कि बहुत ही स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का हर सदस्य चाहता है कि पार्टी का उद्धार हो, लेकिन इसके लिए एकता की जरूरत है और पार्टी के हितों को सर्वोच्च रखने की जरूरत है। तो इशारों इशारों में उन्होंने ये कह दिया कि ये चीज शायद उन्हें नजर नहीं आ रही है। और जितने भी वहां पर लीडर्स मौजूद थे, तो उन्होंने ये भी कहा कि आत्मनियंत्रण और अनुशासन का ख्याल रखा जाए तो अच्छा है। और G23 लीडर्स से तो बिल्कुल साफ तौर पर उन्होंने कहा कि मैं ही पूर्णकालिक और व्यवहारिक कांग्रेस अध्यक्ष हूं, मुझे स्पष्टता पसंद है और मीडिया के सहारे से बात न किया जाए और इसको लेकर एक ईमानदार चर्चा होनी चाहिए। लखीमपुर खेरी मामले को भी उस CWC में डिस्कस किया गया। इसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल जैसे तमाम, चरणजीत सिंह चन्नी, ये सब लोग मौजूद थे। और आपको अगर ध्यान हो तो जो G23 के लीडर्स थे, तो उन्होंने साथ अभी हाल में क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि देखिए इतने सारे पार्टी के जो लीडर्स हैं वो छोड़कर जा रहे हैं, जब सुष्मिता देव और लुइजिनो फिलेरियो और जब जितिन प्रसाद जब जा रहे थे, तो फिर से ये बातें उठी थी, जिसको लेकर सिब्बल और गुलाम नबी आजाद ने बार बार CWC कराने की मांग की थी। तो उसी मांग के बीच में आज CWC की बैठक हुई, और बैठक में ये पाया गया है कि, और इसमें इस चीज को लेकर फैसला हुआ है कि जो अध्यक्ष पद का चुनाव है वो अगले साल होगा और प्लीनरी सेशन सितंबर या अक्टूबर में होगा, तो उसके ठीक पहले जो अध्यक्ष पद का चुनाव है वो किया जाएगा। उसके अलावा भी बहुत सारे फैसले लिए गए हैं, जैसे कि एक मेंबरशिप ड्राइव को लॉन्च किया जाएगा 1 नवंबर से। और साथ में जो सोनिया गांधी ने एक और बात कही कि जो चीजें बाहर, चार दीवारी के बाहर जानी है, उसका फैसला CWC ही करेगी, यानी कि मीडिया से आप क्या बात करेंगे वो CWC की उसमें रजामंदगी होनी चाहिए। अब गुलाम नबी आजाद का एक बयान आया है, उसमें कहा है कि हमें सोनिया जी में पूरा भरोसा है। और उधर आनंद शर्मा ने भी तारीफ की है कि जिस तरीके से गांधी परिवार ने लखीमपुर खेरी मामले को उठाया था। तो ये तमाम बड़े आज फैसले हुए। उसके अलावा KC वेणुगोपाल ने एक प्रेस ब्रीफिंग भी की थी, उसमें उन्होंने कहा कि 14 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक एक विरोध प्रदर्शन और एक एजिटेशन को लॉन्च किया जाएगा, और वो एजिटेशन होगा इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई के खिलाफ। उसके अलावा जो अध्यक्ष पद का चुनाव है वो 21 अगस्त को होगा और 20 सितंबर को, ये 2 दिन उसके लिए चुने गए हैं। और जितने भी कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता हैं, उन्हें विचारधारा की लड़ाई में ट्रेनिंग दी जाएगी, उनकी ट्रेनिंग होगी पार्टी की आइडियोलॉजी के मुताबिक। यानी कि आज G23 लीडर्स को एक तरीके से सोनिया गांधी ने करारा जवाब दे दिया है, और अब देखना यह होगा कि वो शांत बैठते हैं नहीं बैठते, क्योंकि अध्यक्ष पद के चुनाव का रोडमैप भी अब सामने आ गया है कि अगले साल अगस्त और सितंबर के महीने में ये चुनाव होने हैं। तीसरी चीज ये थी कि जो विधानसभा चुनाव है उसमें कैसे
एकजुटता से लड़ाई हो उसको लेकर भी बातचीत हुई है। एजिटेशन कैसे लॉन्च किया जाएगा उसको लेकर, तो एक तरीके से जो आज की सीडब्ल्यूसी थी वो कई कांग्रेस के जो लीडर्स हैं उनका ये कहना है कि अपने आप में ये पर्याप्त थी, काफी कुछ एजेंडा इसमें डिस्कस हुए और इसके बाद जो भी रिजेंटमेंट है, विरोधाभास है पार्टी के अंदर वो कम हो पाएगा। लेकिन सोनिया गांधी को इस बात को कहना कि मैं ही हूं पूर्णकालिक अध्यक्ष, तो इसके बाद कपिल सिब्बल जैसे नेताओं ने जब ये सवाल पूछा था कुछ दिन पहले कि कहां है कांग्रेस अध्यक्ष, तो आज उन लोगों को सोनिया गांधी ने शांत कर दिया। लेकिन इसके अलावा जो एक बड़ा संकेत है कि आज भी कांग्रेस की कमान सोनिया गांधी के हाथ में ही है, भले उसे प्रियंका गांधी और राहुल गांधी चला रहे हों, लेकिन जितने भी वरिष्ठ नेता हैं वो आज भी सोनिया गांधी की राजनीति को ही देखते हैं, सोनिया गांधी की ही ओर देखते हैं कि कैसे पार्टी को एकजुट रखा जाए और पार्टी को संभाला जाए। तो सोनिया गांधी आज एक बार फिर से ड्राइवर सीट में आ गई हैं। अब G23 का जो गुट है वो आगे क्या पार्टी के साथ चलता है या फिर कोई दूसरा सुर मिलाता है, ये देखना होगा। इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। हमारी दूसरी खबर है सिंघू बॉर्डर से जुड़ी हुई। कल आपने देखा था कि किस तरीके से लखबीर सिंह नाम के एक 35 साल के युवक की निर्ममता से, बर्बरता से निहंगों ने हत्या कर दी थी। उसका पहले हाथ काटा, फिर गर्दन काटा और फिर उसके बाद उसका शव सिंघू बॉर्डर का जो मेन मंच है उसके आगे एक बैरिकेड था उस पर लटका दिया गया। और आरोप ये लगाया जा रहा था निहंगों के द्वारा कि लखबीर सिंह जो नाम का युवक है उसने गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की, यानी कि उसको अपवित्र करने की कोशिश किया और इसीलिए निहंगों ने इस चीज को बर्दाश्त नहीं किया और उसे मार दिया। अब खबर ये आ रही है कि निहंगों ने अब आत्मसमर्पण कर दिया है और समर्पण करने वाले का नाम है सरबजीत और उसने हत्या की जिम्मेदारी भी ले ली है। अब इसको लेकर सिंघू बॉर्डर पर गहमा गहमी बढ़ गई है और इस हत्या की वजह से एक बार आंदोलन फिर से चर्चा में आ गया है। लेकिन जो सरबजीत का कहना है, जो जिस आदमी को पकड़ा गया उसने कहा है कि उसे किसी बात का कोई पछतावा नहीं है। अब उसे 7 दिन की हिरासत में लिया गया है। पुलिस पहले 14 दिन की रिमांड मांग रही थी लेकिन 7 दिन की हिरासत में अब उसे रखा गया है। उधर जो गांव वाले हैं, गांव वालों का ये कहना है कि लखबीर सिंह एक ऐसा शख्स था जो कि गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी कभी भी नहीं कर सकता था, यानी कि उनके कहने का मतलब ये था कि उसे बहकाया गया है, उसे फुसलाया गया है और उसके लिए इस तरीके की स्थिति को खड़ा किया गया है जिसकी वजह से उसने इस तरीके का काम किया। तो सवाल ये उठता है कि किन परिस्थितियों में लखबीर सिंह को फुसलाया गया, बहलाया गया। वो नशे की लत उसको थी, उसकी पत्नी ने भी कल प्रेस इंटरव्यूज में बोला कि उसको पैसे देकर, उसे पैसे का लालच दिया गया होगा और उसके चलते वो बहला फुसलाकर उसने ये काम किया होगा। तो ये अब पुलिस की जांच का विषय है और अगर उसे बहला फुसलाकर जानबूझकर उसे इस स्थिति में झोंका गया है तो इसके पीछे साजिश क्या है, इसके पीछे किसका हाथ है, क्या किसान आंदोलन को डिस्क्रेडिट करने की बात एक बार फिर से सामने आ रही है, क्योंकि जिस एकजुटता से किसान न सिर्फ लखीमपुर खेरी मामले में बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बाकी चुनावी राज्यों में जिस तरीके से किसानों का समूह एकजुट हो रहा है, तो क्या इस एकजुटता को तोड़ने के लिए, इस किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए क्या ये एक मुहिम है, ये क्या एक शुरुआत है। इधर बीच ये भी खबर आ रही है कि दिल्ली के एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है इसी हत्या के मामले को देखते हुए कि अब सिंघू बॉर्डर को खाली करा देना चाहिए। तो सारी वो परिस्थितियां बन गई हैं जिससे कि आप ये कह सकते हैं कि एक बार फिर से इस किसान आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, अभी फिलहाल ऐसा ये लगता है। लेकिन क्योंकि ये जांच का विषय है, पुलिस इस पर क्या जांच करती है और सरबजीत क्योंकि इस समय पुलिस की हिरासत में है वो क्या कुछ बताता है, क्या कुछ हुआ, वो उस जांच के आधार पर पता चलेगा कि ये पूरा केस कैसे आगे जाता है। लेकिन इस पॉसिबिलिटी से कोई इनकार नहीं कर सकता कि एक बार फिर से किसान आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक जो दूसरा एंगल है जिसके बारे में मैंने कल भी आपसे बात की थी कि क्या ये अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का भी मामला है, क्या इसमें दंगे भड़काने की बात कही जा रही है, क्योंकि हिंदू बनाम सिख की जो एक लड़ाई है लखीमपुर खेरी मामले में आपने देखा था, तो क्या इसी
किताब का ये एक और पन्ना है जहां पर दंगे भड़काने की कोशिश की जा रही है या किसी अंतर्राष्ट्रीय असामाजिक तत्व ने इस काम को किया है, क्योंकि जिस बर्बरता से लाश को लटकाया गया था ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे देखें, तो इन सारी पॉसिबिलिटीज को इनकारा नहीं जा सकता। जांच के बाद क्या कुछ होगा उसके बारे में हम आपको बताएंगे। फिलहाल मैं आगे बढ़ती हूँ। तीसरी खबर महाराष्ट्र सरकार से जुड़ी हुई है। जी हाँ, आपने लगातार देखा है कि आर्यन खान और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जरिए किस तरीके से ड्रग्स और गांजे के सेवन के बारे में महाराष्ट्र में बात की जा रही है, और ये बात महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को अच्छी नहीं लग रही, और इसलिए उद्धव ठाकरे ने जमकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। और उन्होंने क्या कहा है, अब ध्यान से इसे सुनिएगा। उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने बोला कि फिलहाल जो खेल चल रहा है, जो मन में आता है वो करते हैं, बस इन्हें सत्ता चाहिए, ड्रग्स के नशे का इलाज होना चाहिए, लेकिन सत्ता का नशा भी एक ड्रग्स है। छोटे चुनाव से लेकर लोकसभा के चुनाव तक हर जगह मेरी ही जीत हो, ये भी एक नशा है। इस नशे का इलाज कौन करेगा, इसमें बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अगले महीने 2 साल हमारी सरकार पूरी करेगी और इसे तोड़ने की कई बार कोशिश की गई है। मैं आज भी कहता हूं कि अगर हिम्मत है तो सरकार गिरा कर दिखाओ। इस बात को उद्धव ठाकरे ने मोदी जी को एक तरीके से चुनौती दी है, और उन्होंने कहा है कि पूरी दुनिया में महाराष्ट्र में ही ऐसा लग रहा है कि चरस और गांजे का व्यापार चल रहा है, ऐसा सब जगह बताया जा रहा है। हमारी संस्कृति आंगन में तुलसी लगाने की है, लेकिन ऐसा दिखाया जा रहा है कि तुलसी की जगह हम गांजा लगा रहे हैं। तो एक तरीके से एक तीखा प्रहार मोदी जी के ऊपर उद्धव ठाकरे ने किया है, और बिल्कुल मोदी जी और बीजेपी की भाषा में ही उद्धव ठाकरे ने मोदी जी को ललकारा है कि अगर आप सरकार हिम्मत है तो आप सरकार गिराकर दिखाएं। तो एक तीर से इसमें कई निशाने इसमें उद्धव ठाकरे ने किए हैं। एक तरफ से कि बीजेपी किस तरीके से समय समय पर सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है, वो चीज सामने आई। दूसरा, ड्रग्स और गांजे के सेवन के बारे में बोला। मीडिया को भी आड़े हाथों लिया है कि ऐसा लग रहा है कि हर जगह ये दिखाया जा रहा है, यानी कि मीडिया बिका हुआ है। हालांकि उन्होंने शब्दों में नहीं कहा, लेकिन उनके कहने का मतलब यही है कि मीडिया भी इस चीज को उसी तरह से दिखा रहा है जैसा ऐसा लग रहा है कि केंद्र सरकार के निर्देशन पर काम कर रहा है। तो जो चीजें जो दिखाई जा रही है महाराष्ट्र के बारे में, वो बिल्कुल उद्धव ठाकरे को पसंद नहीं आ रही है, और मोदी जी को उन्होंने ललकारा है कि 2 साल मेरी सरकार को पूरा होने को है और आपने कई बार सरकार गिराने की कोशिश की है, लेकिन अगर आप में हिम्मत है तो आप सरकार गिराकर दिखाएं। तो वाकई में उद्धव ठाकरे जिस हिम्मत के साथ मोदी जी को चुनौती दे रहे हैं और जिन कड़े शब्दों में केंद्र सरकार पर हमला बोल रहे हैं, तो वाकई में ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं अब राज्य सरकारों में वो हिम्मत अब आ गई है, चाहे वो ममता बनर्जी हो या फिर उद्धव ठाकरे हो। आज मोदी को चुनौती देने के लिए कुछ ही मुख्यमंत्री हैं, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, और उद्धव ठाकरे भी उनमें से एक हैं जो आज मोदी जी को, जैसे कहते हैं कि शेर की गुफा में घुसकर और उसको चुनौती देना, वो काम उद्धव ठाकरे ने किया है। लेकिन बीजेपी क्या अपनी आदतों से बाज आएगी? अभी भी जो ड्रग्स और गांजे का जो सेवन की जो पूरा ये जो मामला है, इसको ऐसा लग रहा है कि जबरदस्ती के लिए तूल दिया जा रहा है। क्या उससे बीजेपी बाज आएगी? क्योंकि बीजेपी की जो एक गलत छवि बनाने की, प्रोपेगेंडा करने की जो आदत है, वो ऐसा लग रहा है कि नहीं जा रही है, और इसी पर पूरी राजनीति बीजेपी की टिकी हुई है। और इस राजनीति के चलते ही उद्धव ठाकरे और ममता बनर्जी जैसी सरकारों को आज पूरी तरह से हिम्मत भी मिली है, क्योंकि वो सत्ता में है। इस पर आपका क्या फीडबैक है जरूर बताइएगा, मैं आगे चलती हूँ। अगली खबर भी हमारी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से जुड़ी हुई है, और लगातार एनसीपी के प्रवक्ता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक लगातार एनसीबी पर सवाल खड़े करते आए हैं कि एनसीबी के काम करने का तरीका बिल्कुल गलत है, और जबरदस्ती के लिए आर्यन खान के केस में एनसीबी ने एक फर्जी वाड़ा किया है। इन बातों को कई बार नवाब मलिक कह चुके हैं, लेकिन आज नवाब मलिक ने कुछ ट्वीट्स किए हैं, और उन ट्वीट्स में एक बार फिर से एनसीबी पर आरोप लगाया गया है, और उन्होंने कहा है कि 3 अलग-अलग केसों में फ्लेचर पटेल को गवाह क्यों बनाया है एनसीबी ने। अब फ्लेचर पटेल और जो जोनल डायरेक्टर हैं समीर वांखेड़, नवाब मलिक ने कहा है कि उनके पहले से संबंध है, और समीर वांखेड़ के कई कार्यक्रमों में पटेल कई बार जाते हैं, यानी कि उनके क्लोज संबंध है, क्लोज रिलेशंस है।
और साथ में नवाब मलिक ने एक लेडी डॉन का भी जिक्र किया है और लगातार वो आरोपों की बौछार लगा रहे हैं और डिटेल सहित उन्होंने कहा है कि एक सीआर नंबर है एफआईआर का 38/20 25 नवंबर को, उस वो भी एक ड्रग्स का केस था जिसमें फ्लेचर पटेल को गवाह बनाया गया। फिर 9 दिसंबर 2020 को एक ड्रग्स केस को दर्ज किया गया था, उसमें भी फ्लेचर पटेल को गवाह बनाया गया। 2 जनवरी 2021 सीआर नंबर 2/21 उसमें समीर वांगखेट ने फिर से एक बार फ्लेचर पटेल को गवाह बनाया है। तो एनसीबी का अगर आप जिम्मेदारियां देखें तो उन्हें अधिकार है कि वो पंचनामा के दौरान वो किसी को भी गवाह बना सकते हैं, लेकिन नवाब मलिक का ये कहना है कि तीन अलग अलग केसेस में एक ही गवाह कैसे हो सकता है। और फ्लेचर पटेल एक सैनिक फेडरेशन नाम की एक एनजीओ है जिसे चलाते हैं। साथ ही हिंदी से भी उन्होंने खास बातचीत में ये कहा कि वो तो बच्चों को ड्रग से कैसे बचाना है उस पर वो काम कर रहे हैं, लेकिन समीर वांगखेड़ के बारे में कहा कि इसमें गलत क्या है अगर वो एक सही काम कर रहे हैं। तो जो आर्यन खान का जो पूरा मामला है वो एक राजनीतिक मामला बिल्कुल बन चुका है। नवाब मलिक इसमें लगातार एनसीबी के कामकाज करने के तरीके पर सवाल खड़े कर रहे हैं और लोग भी इस बात को कह रहे हैं कि क्या एनसीबी केंद्र सरकार के निर्देशन पर काम कर रहा है, क्या एनसीबी ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को आउटसोर्स कर दिया है अपना काम। ये सारी बातें एनसीबी को लेकर अभी खड़ी हुई हैं और बार बार सवालों के घेरों में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो आता है जो कि एक ऑटोनोमस जांच एजेंसी है, लेकिन वो अब सरकार की ऐसा लग रहा है कि खुद की एजेंसी है। सरकार जो चाहती है वो उससे करवाती है, सरकार को जिस पर जिसके ऊपर निशाना साधना होता है उस पर एनसीबी को छोड़ दिया जाता है। और आर्यन खान का मामला कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है कि आर्यन खान के मामले में ऐसा लग रहा है कि एनसीबी किसी न किसी एक एजेंडा के तहत उसकी बेल उसको मिल भी नहीं रही है और एक एजेंडा के तहत उसके खिलाफ ये पूरा मामला दर्ज हुआ है। तो लगातार ये राजनीति बनी हुई है, लेकिन फिलहाल आर्यन खान अभी जेल में ही है। इस पर आपका क्या फीडबैक है जरूर बताइएगा, मैं आगे चलती हूँ। अब बात करते हैं आखिरी खबर में नवजोत सिद्धू की। जी हाँ, वो राहुल गांधी से मिले थे और नवजोत सिद्धू ने 28 सितंबर को, अगर आपको याद हो, तो प्रदेश अध्यक्ष के पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और इस्तीफा देने के बाद लोगों में ये अटकलें लग रही थी कि क्या होगा सिद्धू का, सिद्धू के भविष्य का क्या होगा। फिर हमने देखा कि जब लखीमपुर खेरी का जब हिंसा का मामला आया तो वहां पर वो मौन व्रत धारण करने चले गए और शुरू से वो एक बात कह रहे थे कि वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और कांग्रेस के लिए वो हमेशा काम करते रहेंगे। तो थर्सडे को उनकी मीटिंग हुई राहुल गांधी से और उसके बाद सिद्धू ने अब ये बयान में कहा है कि उनकी जो भी कंसर्न्स थी, उनकी जो भी चिंताएं थी, उसको पार्टी ने एड्रेस कर लिया है और अब वो प्रदेश अध्यक्ष के पद पर बने रहेंगे। हरीश रावत ने भी इस बात को कहा कि सिद्धू ने जो अपना इस्तीफा पत्र था उसको विड्रॉ कर लिया है और सिद्धू ने ये कहा है कि वो कड़ी मेहनत कर रहे हैं और इसी कड़ी मेहनत को वो आगे भी करते रहेंगे। और जो तमाम 18-पॉइंट एजेंडा के तहत जो इश्यूज थे कि किस तरीके से जो गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी का मामला था, ड्रग्स माफिया के केस का मामला था, डीजीपी के मामले को ऑलरेडी एड्रेस कर लिया गया है, तो वो तमाम इश्यूज हैं। अब पार्टी इन इश्यूज को कैसे एड्रेस करती है, लेकिन फिलहाल कांग्रेस के लिए ये एक बड़ी राहत है कि सिद्धू अपने कार्य को अब स्थिरता से कर सकेंगे और चुनाव अभी कुछ दूर है तो अब ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी अब पूरे फुल कंट्रोल में है, जहां पर एक फुल फ्लेजेड दलित चीफ मिनिस्टर है, काम करने वाला एक प्रदेश अध्यक्ष है और पार्टी हाईकमांड की अगर हम बात करें तो आज सीडब्ल्यूसी से ये भी क्लियर हो गया है कि सोनिया गांधी के हाथों में अब पूरी कमान है। अब ऐसे में सारे एजेंडा सब कुछ कांग्रेस के सामने मौजूद है और कांग्रेस अब चुनाव के लिए किस तरीके का रोड मैप लेकर जाती है, कैंपेन में क्या कुछ नैरेटिव बनाती है, इस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी और देखना होगा कि क्या बीजेपी के लिए कांग्रेस फिर से एक विकल्प बन सकता है या नहीं बन सकता, बीजेपी के बजाय कांग्रेस एक विकल्प देश का बन सकता है या नहीं बन सकता। सुनिए सच की 5 बड़ी खबरों में इतना ही। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @neelu317। आप देखते रहिएगा, सुनिए सच और बने रहिएगा सत्य हिंदी के साथ। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।